मध्य प्रदेश के बैतूल में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए चलाई जा रही आजीविका मिशन की योजना के तहत 82 बेटियों को रोजगार मिला है। बेटियों को योजना के तहत सिलाई मशीन ऑपरेटिंग की ट्रेनिंग दी गई। के तहत आदित्य बिरला ग्रुप में इन्हें रोजगार मिला है। बैतूल रेलवे स्टेशन से बेंगलुरु रवाना हो रही है। इन बेटियों के चेहरे पर मुस्कान है। अब ये किसी पर बोझ नहीं है, ये भी काम करके अपने परिवार की मदद करेगी। बेटियां बेटों से कम नहीं है, यह साबित कर रही है। दरअसल बैतूल जिला पंचायत के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आजीविका मिशन चलाया जा रहा है। इसी के तहत जिले में ऐसी महिलाएं या युवतियां जो स्वरोजगार से जुड़ना चाहती है, उन्हें ट्रेनिंग देकर जॉब दिलाया जाता है। इसके अलावा उनको स्व सहायता समूह के माध्यम से रोजगार भी दिलाया जाता है। योजना के तहत आजीविका मिशन के साथ वजीर स्किल एवं HDFC परिवर्तन फाइनेंशियल ने रोजगार मेले का आयोजन किया था और उसमें चयनित महिलाओं और युवतियों को 1.5 माह तक सिलाई मशीन ऑपरेटिंग की ट्रेनिंग दी गई थी। के बाद इनका बेंगलुरु में स्थित आदित्य बिरला ग्रुप की फैक्ट्री में सिलाई मशीन ऑपरेटिंग का जॉब मिला है। इस जॉब के लिए 82 महिलाओं और युवतियों का चयन हुआ है। बैतूल से खुशी खुशी बेंगलुरु रवाना हुई है। उनका कहना है कि उन्हें जॉब मिलने पर उनका परिवार भी खुश है, अधिकारी भी इनके चयन से खुश हैं। उनका कहना है कि इनको जॉब मिलने से इनका हौसला बढ़ेगा और आगे भी बैतूल में आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं और युवतियों को रोजगार दिलाया जाएगा। भारतीय न्यूज के लिए बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये तो वजीर स्किल्ड की देन है कि जो हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और इस प्रशिक्षण को प्राप्त करके हम लोग बहुत खुश हैं कि हमको जॉब मिला है और बहुत खुशी महसूस हो रही है। कैसा था प्रशिक्षण, क्या क्या ट्रेनिंग दी गई? हम लोगों को सिलाई की ट्रेनिंग दी गई और बहुत अच्छी से ट्रेनिंग दी गई है। मैं बहुत खुशी हुई ट्रेनिंग पाकर कि हम लोगों ने ट्रेनिंग की है। कौन सा जॉब मिला और कितने बच्चे जा रहे हैं? हम लोगों को स्विंग ऑपरेटर का जॉब मिला है। यहाँ 82 लड़कियाँ जा रही है आज। घर वालों को कैसा लगा इसको? घर वालों को तो बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जॉब कर रहे हैं और हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, उन्हें बहुत खुशी हुई। सतीश जी, बताएंगे कि किस तरह बच्चियों को ट्रेनिंग देकर उनको एक रोज़गार दिलाया है, क्या योजना थी पूरी और कितने बच्चे जा रहे हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे ज़िले के आदरणीय कलेक्टर सर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उनका काउंसलिंग करने के बाद, उनका डोर टू डोर चयन करने के बाद, उनको यहाँ पे प्रशिक्षण दिलवाया गया वजीर स्किल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, जिसमें HDFC ने भी उन सपोर्ट किया है। और आजीविका मिशन की जो रोज़गार सखियाँ हैं, उन्होंने घर घर जा के इनका काउंसलिंग किया और इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए प्रेरित किया। और आज बड़ा खुशी का विषय है और बैतूल ज़िले के लिए भी बड़ी अच्छी बात यह है कि आज लगभग 82 बेरोज़गार युवतियाँ, जिनका चयन आदित्य बिरला ग्रुप में, जो कि बहुत बड़ा कॉरपोरेट घराना है हमारे देश का, उसमें सिलाई मशीन ऑपरेटर के पद पर हुआ है और उन्होंने स्टार्टिंग सैलरी इन्हें ऑफ़र करी है 11,000। बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है ये। मैं उन सारी बच्चियों का जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, उन्हें शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ जिला प्रशासन की ओर से, आजीविका मिशन की ओर से। बच्चियों का चयन हुआ है, इनकी एजुकेशन क्या क्या क्राइटेरिया था? 12वीं पास जनरली हमने लिया था, क्योंकि इसमें जो ट्रेनिंग होती है उस समय इनके कुछ एग्ज़ाम्स भी होते हैं, और 18 साल और 30 साल के बीच। और अभी ये वहाँ पे जा रही हैं, कुछ बच्चियाँ पढ़ रही हैं, वो वहाँ पढ़ने के लिए कोई मनाही नहीं रहेगी, वो अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं और आगे बढ़े और कंपनी में ही प्रमोशन ले, ये हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.